हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे ऑफिस मैनेजमेंट में ऑफिस मैनुअल, जानेंगे कि क्या होता है ऑफिस मैनुअल, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ऑफिस मैनुअल। इट कंटेन्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पॉलिसीज ऑफ ऑफिस, रूल्स, सब रूल्स, मेथड्स ऑफ वर्क, करेस्पॉन्डेंस एंड इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, एम्प्लॉयज वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एट्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं ना ऑफिस मैनुअल की, सो ऑफिस मैनुअल एक ऐसा मैनुअल होता है जिसमें ना ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, क्या पॉलिसीज होंगी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा, जो भी उनके वर्कर्स हैं उनके लिए क्या ड्यूटीज़ होंगी, राइट्स होंगी, ठीक है, क्या सैलरी पे की जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दी होती है। एंड एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी की भी पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि उनको किस तरह से उनका जो लाइफ है या फ्यूचर है या जॉब है किस तरह से सेफ एंड सिक्योर होगी। तो ये सारी डिटेल होती है ऑफिस मैनुअल में, ठीक है। सो इन दिस वे ऑफिस मैनुअल इज़ अ काइंड ऑफ मिरर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑफिस मैनुअल को आप बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना एक शीशे की तरह काम करता है। मीन्स कि आप उसको पढ़कर देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए अपने काम को करता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं मैनुअल में और जान सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आसानी से। तो ये थी मीनिंग ऑफ ऑफिस मैनुअल। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी कि क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, एन ऑफिस मैनुअल इज़ द कंडेंस्ड form of various topics relating to the office. So office manual, जैसा मैंने बताया कि जितने भी आपकी business से related जो भी topic means कि बहुत सारे topics होते हैं, किस तरह से employees को आप employees की hiring करनी है, उनके लिए क्या duties and rights होंगा, किस तरह से उनको आप salary pay की जाएगी, ठीक है, किस तरह से coordination बनाना है, किन rules and guidelines को follow करना है, किन policies को follow करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है office manual में होती हैं पहले से। मतलब जितनी भी बातें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड वो ऑफिस मैनुअल में लिखित होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑफिस मैनुअल की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। अब जो भी एम्प्लॉयज़ है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या मतलब रूल्स है, गाइडलाइंस है और क्या पॉलिसीज़ है, इसलिए ऑफिस मैनुअल बनाया जाता है ताकि आसानी से एम्प्लॉयज़ उस ऑफिस मैनुअल को रीड करके या देख करके जान सकें कि ये ऑर्गेनाइजेशन इन पॉलिसीज़ को, इन रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, तो ये भी एक उद्देश्य होता है ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसमें आसानी से जागरूक हो सकें ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। एंड क्या एक एम्प्लॉई का अधिकार होगा और दायित्व तो होगा, ये सारी चीज़ें भी उसमें होती हैं और आसानी से जान सकते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये भी एक उद्देश्य होता है ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं आसानी से जान सके अपनी राइट्स को और अपनी ड्यूटीज़ को। टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, एक उद्देश्य ये भी होता है कि अगर ऑफिस मैनुअल आपका रेडी है, उसमें सारी चीज़ें पहले से डिफाइन है, तो ये भी चीज़ एम्प्लॉयज़ को जानने में हेल्प हो जाती है कि उनके लिए क्या एजुकेशन से किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी बातें वहाँ पर होती हैं। टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन वर्किंग मेथड्स एंड द पॉलिसीज़, ऑफिस मैनुअल में जो भी रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज़ या मेथड्स बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, उनको फॉलो करते हुए क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन आसानी से बना पाएंगे एम्प्लॉयज़ आपस में, एक समानता रहेगी, ठीक है। तो काम करने में एक समान मेथड को फॉलो किया जाएगा, पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाएगा, तो ये भी एक उद्देश्य होता है किसका, ऑफिस मैनुअल का। टू इन्फॉर्म न्यू एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर एक्टिविटीज़, राइट्स, ड्यूटीज़, वर्क प्रोसीजर, सैलरी, प्रमोशन एट्सेट्रा, और जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो नए नए आए हैं, उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगी, उस किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सैलरी किस तरह से उन्हें दी जानी है, क्या प्रमोशन का प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें नए एम्प्लॉयज़ को जानने में हेल्प होती है। तो इस उद्देश्य से भी ऑफिस मैनुअल को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है।
ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफिस मैनुअल की बात करें तो हिस्ट्री मैनुअल, हिस्ट्री मैनुअल मींस कि जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि प्रीवियस टाइम में किस लास्ट ईयर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, क्या उसकी प्रॉफिट्स रही हैं, क्या अर्निंग रही है, ठीक है, उनके जो इम्प्लॉयज़ है किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री मैनुअल में मिल जाती हैं। पॉलिसी मैनुअल की बात करें तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किन पॉलिसीज़ को फॉलो करता है ये उस मैनुअल में पहले से डिफाइन होता है। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल की बात करें यहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मींस कि ऑर्गेनाइजेशन किन रूल्स को गाइडलाइंस को फॉलो करता है, ठीक है, किन प्रोडक्ट के साथ डील करता है, किस तरह के वो अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, गाइडलाइंस को फॉलो करता है, प्रमोशंस करता है, ये सारी चीज़ें दी होती। लॉस एंड बाई लॉस मैनुअल की बात करें तो इसमें सारे ही नियम कानून बनाए गए होते हैं, लिखे होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है इस मैनुअल में। डिपार्टमेंटल मैनुअल की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो डिपार्टमेंटल मैनुअल में लिखित होती है। फाइनेंशियल पोजिशन मैनुअल की बात करें तो जो भी कितनी सैलरी पे करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को, क्या उनका प्रमोशन होगा, किस तरह से बोनस वगैरह पे किया जाएगा, कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, जो भी उनका आउटपुट आ रहा है या बिजनेस को करने में, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन मैनुअल में दी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ से कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं, लिखित होती हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस मैनुअल की, तो फर्स्ट पॉइंट इज सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। अगर ऑफिस मैनुअल में सारी चीज़ें पहले से प्री डिटर्मिंड होती हैं, मीन्स पहले से डिसाइड होती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और पैसे की भी बचत होती है, ठीक है। इफेक्टिव कंट्रोल की बात करें तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, अगर कोई एम्प्लॉई है जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि हमारे ये रूल्स एंड गाइडलाइंस है और उसको फॉलो करके ही आपको काम करना है, और अगर नहीं करता है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। इजी कम्युनिकेशन की बात करें तो जैसा बताया कि डिपार्टमेंट मैनुअल भी होता है, तो हर डिपार्टमेंट हर एम्प्लॉई जो होता है इजीली कम्युनिकेट कर पाता है, अगर मैनुअल में सारी चीज़ें पहले से सभी के लिए समान तौर पर लागू होती हैं तो वो आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते। कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कि एक समानता होती है क्योंकि उस मैनुअल में सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं, तो जो भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं एक दूसरे से आसानी के साथ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके लिए पहले से ही ड्यूटीज़ एंड राइट्स डिसाइड होते हैं और वो अपने काम को लेकर पहले से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए वो मिस्टेक कम करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफिस मैनुअल की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज इन इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है ऑफिस मैनुअल की अगर हम बात करें, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सो इट्स ओके, बट अगर छोटे स्मॉल साइज के ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है ये, ठीक है। वर्क प्रोसीजर एंड मेथड्स आर प्री डिटरमाइंड, जैसे कि मैंने बताया कि वर्क प्रोसीजर और जो मेथड्स होता है पहले से डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, मीन्स डिसाइड होता है कि किन मेथड्स को किन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए काम को आगे करना है, ठीक। फॉर फास्ट चेंजिंग बिजनेस ऑफिस मैनुअल आर इन अप्रोप्रिएट, फास्ट चेंजिंग बिजनेस मीन्स जो ऐसे बिजनेसेस जो जल्दी जल्दी ना उनमें बदलाव होता रहता है उनके लिए ये जो ऑफिस मैनुअल होता है वो अच्छा नहीं होता, इन अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। इंक्रीज एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने बताया कि छोटे स्मॉल बिजनेस जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। सो ये थे कुछ एक पॉइंट्स जो कि रिलेटेड था ऑफिस मैनुअल से, कि ऑफिस मैनुअल की मीनिंग क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं, कितने टाइप्स के मैनुअल होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।